क्या आपको पता है होंडा की ग्लोबली सेल होने वाली कार होंडा सिविक जब 2006 में इंडिया में लॉन्च होती है तो ये कार इतनी हिट होती है कि सेडान सेगमेंट में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर देती है, जिससे होंडा की एक प्रीमियम इमेज क्रिएट हो जाती है इंडियन कस्टमर्स की नजरों में। बट वही होंडा सिविक जब 2019 में दोबारा लॉन्च होती है विद इट्स रिफाइंड इंजन एंड अट्रैक्टिव लुक्स तो एक ही साल में डिसकंटिन्यू भी हो जाती है। करता हूं आपके साथ इसके पीछे का रीजन शेयर, बस आप वीडियो एंड तक देखना। भाई जापानीज कंपनी होंडा अपनी सिविक को 2012 में डिसकंटिन्यू कर देती है कस्टमर्स को एक अपग्रेड देने के लिए, बट इसमें होंडा को पूरे 7 साल लग जाते हैं एंड तब तक मार्केट में सिविक के लिए अच्छे खासे कॉम्पिटिटर्स होते हैं लाइक हुंडई इलेंट्रा, स्कोडा ऑक्टाविया एंड खुद होंडा की होंडा सिटी। एंड एट द सेम टाइम कोविड भी आ जाता है और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज भी स्टार्ट हो जाती है। अब क्योंकि होंडा की सिविक एंड सीआरवी दोनों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के ग्रेटर नोएडा के प्लांट में होती थी तो ज्यादा सेल ना होने की रीजन से होंडा को अपना ग्रेटर नोएडा वाला प्लांट क्लोज करना पड़ा, साथ ही शिफ्ट हो गया अपने राजस्थान के टापोकारा प्लांट में। एंड लास्ट कुछ ईयर्स में एसयूवी सेगमेंट की डिमांड 8% से 29% पे जम कर गई, जो कि होंडा साफ साफ समझ चुकी थी। अब इसमें आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जहां मैं आपको करता हूं सिर्फ 5 मिनट में रिप्लाई। यकीन नहीं हो रहा तो अभी ट्राई कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।